एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि बना लीजिए मीठा, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताइए, देखती हूं। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहां दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई मां मीठा बनाने चली गई। पिता ने बात सुनी, फिर उन्होंने लड़के से कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा, हाँ रे, वो भी सच है। जब हमारी शादी हुई तो पहले ही साल तुम्हारी मां गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से हम समझे भी नहीं है। चलो इस बार अबॉर्शन करवा कर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी मां ने जोर देकर कहा नहीं, फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने आपको स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़ना से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी, क्योंकि अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर वापस जल्दी उठती थी और सुबह काम पर लग जाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी मां ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अशिक्षित है ना। वो खाना बनाकर और हमें परोस कर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि तुम्हारी मां अशिक्षित है। ये सब सुनकर लड़का रोते रोते और लिपट कर अपनी मां से बोलता है, मां मुझे तो कागज पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली आप पहली शिक्षक हैं। मां मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूं, और आपके पास PhD के ऊपर भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी मां के अंदर छुपे रूप में मैं डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन ले लिए। दोस्तों, प्रत्येक लड़का लड़की जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए उनके लिए क्या क्या कष्ट सहा है उनके माता पिता ने। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।